देखा तो हम उसको बख्शेंगे नहीं। ये श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा किया था।
उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद 1971 में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आक्रमण किया, अटैक किया, उसका नतीजा क्या निकला, परिणाम क्या निकला कि लड़ाई के कुछ ही दिनों के बाद पाकिस्तान के लगभग 93,000 सैनिक फौजी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरेंडर करवा दिए थे। मतलब उन्होंने हमारे देश की सेनाओं के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था, हथियार छोड़ दिए थे। तो इस बात पे आपको तालियां बजाना पड़ेगा। इसकी सरबराही में, इसकी सरपरस्ति में लड़ा गया श्रीमती इंदिरा गांधी की सरबराही में। अभी तक वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत बहुत लड़ाई हुई है, इतने ज्यादा सैनिकों ने किसी दूसरे देश के सैनिकों के आगे हथियार नहीं डाले हैं। लगभग लगभग 93,000 सोल्जर पाकिस्तान के, और उस यही नहीं, पाकिस्तान को उसका खमियाजा और भी भुगतना पड़ा। पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। देखो पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया लेकिन उसके ही दो टुकड़े हो गए। एक ईस्ट पाकिस्तान था जो बांग्लादेश था, उस वक्त पाकिस्तान का ही एक हिस्सा था, वो इंडिपेंडेंट करवा दिया, वो आजाद मुल्क बन गया। ये 1971 की बात है जब इंडिया और पाकिस्तान की कोई जो लड़ाई हुई थी उसमें ही पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं समझता हूँ कि उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का ये बहुत बड़ा योगदान था और उनका ही जो मार्गदर्शन था उस वक्त देश को इस उपलब्धि पर, और उस वक्त हमारा देश जो है वो दुनिया के जो ताकतवर देश थे, हमारी जो सेना थी दुनिया की जो ताकतवर 4-5 देशों की सेना थी उसमें शामिल हो गई थी। तो इस बात को हमने उनकी उपलब्धियों को, उनके अचीवमेंट्स को, उनके कारनामों को हमने ज्यादा करना है आज के दिन, क्योंकि उनका जन्मदिन है। हमें उनकी इन्हीं बातों पर गौर करना है, याद करना है और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करना है। हमारे देश में ऐसे और भी लीडर आए, और भी नेता आए जो इस देश को सुपरपावर बनाए। बहरहाल जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, बिल्कुल मैं भी चाहता हूँ कि वो भी एक दुनिया के ताकतवर लीडर हैं इस वक्त, जैसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, बिल्कुल वही हैं। उनका भी जो फांसी आजकल चल रही है कि कोई एक गोली मारे तो उस पर 100 गोलियां मार दो, शांति रही है एक साइड, तो शांति शांति करते क्या हो रहा था कि हमारे देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था, तो वो इंदिरा गांधी ने जवाब दिया था। तो और उनके जो जितने भी काम हैं वो मेरे लिए यहाँ गिनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम जो मेन जो आपको यही याद रखना बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया और पाकिस्तान के ही दो टुकड़े हो गए। ये बहुत बड़ी बात है, आप इस बात को ही जान अगर रखते हैं तो ये भी बड़ी बात है आपके लिए। ठीक है, बाकी जय हिंद। महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के जन्मदिन पर मैं कामना करता हूँ उनके, हमारा देश उनकी राह पर, उनके बताए हुए मार्ग पर, उनके बताए हुए रास्ते पर, उनके कारनामों को याद करते हुए और आगे बढ़े, बढ़ता ही रहे, खुशहाल रहे। शांति प्रिय देश है, चलो इसके लिए हमें अपने अपने अपनों से लड़ना नहीं है, अपने में यूनाइट रहना है, एकता बनाई रखनी है। हाँ, कोई बाहरी ताकत अगर हम पर कोई बुरी नजर डालती है तो उसका हमने इकट्ठे होके मुंह तोड़ जवाब देना, और ऐसा जवाब देना है जैसे उस वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था, कि जिसने बुरी नजर डाली थी उसको ही तोड़ के रख दिया था। तो ऐसे हमने ये रखना है, अगर हम ऐसे लीडरों की बातों को याद रखेंगे तो ये हो ही नहीं सकता कि हमारा देश कमजोर पड़ेगा, दोबारा जुआ बनेगा अंग्रेजों का। आपको यही रखना है कि हमें यूनाइट होकर रहना है,
एक समय बहुत बड़ी ताकत होती है, यूनिटी स्ट्रेंथ आपने पढ़ा है के, और एक दूसरे के बेकार में नहीं आना है। अभी भी बहुत सी ताकतें हमारे देश में हमारे यूपी स्टेट में चल रही है, अपना काम कर रही है, अपने धर्मों के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले हमने ये याद रखना है कि हम भारतवासी हैं, हम एक हैं, चाहे किसी भी धर्म से हमारा संबंध है, लेकिन सबसे ऊपर हम कौन है, भारत देश के निवासी हैं, यही हमने याद रखना है। अगर हम धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, कलंक के नाम पर, सेक्स के नाम पर लड़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, तो फिर इससे क्या होगा, हम कमजोर होते जाएंगे और आस्था आस्था हमारा देश कमजोर होता जाएगा। जो बाहर की ताकतें हैं, बाहर के देश हैं, वो इसी इसी चीज को नजर में रखते हैं कि कब ये देश दोबारा आपस में इसमें फूट डले, ये लोग आपस में ही लड़ते रहे, तो हम इन पर अटैक करते हैं और इस पर कब्जा करते हैं। ऐसा नहीं करना है। अब कहते हैं ना कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो अगर हम यूनाइट रहते हैं तो हम स्टैंड रहते हैं, अगर हम लड़ते जलते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं कलर्स पे, क्रीड पे, सेक्स पे, कास्ट पे, रीजन पे, तो उससे क्या होता है, हम गिरते जाएंगे और कमजोर होते जाएंगे। तो हमारे इन महापुरुषों का, हमारे भूतपूर्व नेताओं को याद करने का यही एक मकसद होना चाहिए कि हमें यूनाइट रहना है, एक रहना है, किसी के भी जयकारे में, किसी पूरी जो भारी ताकतें हैं उन पर ध्यान नहीं देना है और अपने देश को आगे बढ़ाना है। जय हिंद।